तो उत्तराखंड में 13 जिले हैं। जिलेवार हम आपको बता रहे हैं कि कहां पर काउंटिंग की क्या तैयारी है। और अब बात उत्तरकाशी की। उत्तरकाशी में भी मतगणना की सभी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी मयूर दीक्षित और भी अधिकारियों ने 10 मार्च को तीनों विधानसभा गंगोत्री, यमुनोत्री और पुरोला की मतगणना के लिए तैयारियों का जायजा लिया। वहीं जिले के SP का कहना है कि मतगणना के दौरान कोविड गाइडलाइंस का भी पालन करना होगा। आपको ये भी हम बता दें कि मतगणना केंद्र राजकीय इंटर कॉलेज में तीनों विधानसभा सीटों के लिए अलग अलग टेबल लगाई गई है। जो हमारी भीतर की सुरक्षा व्यवस्था है, ITBP और स्थानीय पुलिस हमारी लगी हुई है, और हमने और DM साहब ने और जो हमारी टीम है हम लोगों ने उसका भ्रमण भी कर लिया है। 9 तारीख को इसकी ब्रीफिंग होगी। और मैं पुनः अपने सम्मानित चैनल के माध्यम से, आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा कि जो सामान परमिटेड नहीं है, यानी कि मोबाइल फोन, कैमरा केवल और केवल मीडिया कर्मियों को परमिटेड है, और उन्हें ही जो कि जिनके पास की जो सूचना विभाग के द्वारा जिनके पास पास किया गया है वही लोग आ सकते हैं। पिथौरागढ़ में 4 विधानसभा की सीटें हैं और चारों विधानसभा की सीटों की मतगणना के लिए प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है। मतगणना शांतिपूर्ण तरीके से हो इसके लिए लक्ष्मण सिंह महर राजकीय पोस्ट ग्रेजुएट महाविद्यालय में CCTV लगाने के साथ साथ बैरिकेडिंग भी लगाई गई है। राजकीय महाविद्यालय डिग्री कॉलेज में चारों विधानसभा काउंटिंग होनी है 10 तारीख को, उसी में पूरा हमारा चेयर लग गई है, बैरिकेडिंग हो गई है, फाइनल स्टेज दिया जा रहा है। कमिश्नर के द्वारा पूरा राउंड चेक किया था, उसमें जो सर ने कुछ एडिशनल कहा है और सर ने कुछ जो इंस्ट्रक्शन दिए है उसको आज उसको सही करवा रहे हैं। और CCTV लग गए हैं हमारे, जो कंप्यूटर लगने हैं वो लगाए जा रहे हैं, लाइट की व्यवस्था और उसके अंदर जो CCTV है उसका कनेक्शन किया जा रहा है। रुद्रप्रयाग में विधानसभा चुनाव की मतगणना को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी मनोज गोयल और पुलिस अधीक्षक आयुष अग्रवाल ने कलेक्ट्रेट में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बताया कि अगस्त्य मुनि में मतगणना के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मतगणना को लेकर जो हमारे काउंटिंग पॉइंट तैयार होने हैं, अच्छा, उनकी तैयारियाँ पूर्ण कर ली गई हैं और सिक्योरिटी व्यवस्था भी जो है वहाँ पे उसकी पूरी प्लानिंग कर ली गई है। मतगणना के लिए सिक्योरिटी उसी हिसाब से, जिस हिसाब से निर्देश है वो लग जाएगी पूरी, और जो हमारे काउंटिंग के जो कर्मचारी होंगे उन सबकी ट्रेनिंग वगैरह भी पूरी करवा ली गई है। इलेक्शन कमीशन के निर्देश हैं, उसके अनुसार प्रॉपर सुरक्षा व्यवस्था मतगणना स्थल पर की जाएगी। 3 लेयर में 3 क्वार्टर्स में सिक्योरिटी अरेंजमेंट रहेंगे। इसके अतिरिक्त सभी थाने चौकियों को भी निर्देशित कर दिया गया है कि अपने अपने क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए। पौड़ी में 10 मार्च को यानी कि कल राजकीय इंटर कॉलेज में होने वाली मतगणना की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। यहां मतगणना की तैयारियों का जायजा गढ़वाल कमिश्नर सुशील कुमार और पौड़ी जिला निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने लिया, जहां EVM वोट काउंटिंग के साथ ही डाक मतपत्रों की गणना भी कल की जाएगी। मतगणना के लिए हमने GIC पौड़ी का जो स्थान है वो चयनित किया हुआ है। 6 विधानसभाओं की मतगणना उसी कक्ष, मतलब उसी परिसर में की जाएगी। उसके लिए पूर्ण व्यवस्था हमने मानक के अनुरूप किया हुआ है। काउंटिंग सेंटर के समीप ITBP का तैनाती है जो स्ट्रांग रूम की सुरक्षा को देख रही है, साथ में PAC का तैनाती है और साथ में रेगुलर पुलिस, इन 3 स्तरों पर तैनाती किया गया है। काउंटिंग सेंटर में आने वाले हर व्यक्ति को लॉग बुक में एंट्री करनी होगी, साथ में जो काउंटिंग एजेंट्स होंगे उनकी नाम नियुक्ति करने के लिए भी हमने प्रत्याशियों को सूचित किया है कि काउंटिंग से 72 घंटे पहले 5 बजे तक आप उनका प्रारूप 18 में अपना आवेदन पत्र हमको सबमिट करेंगे, तो जिनका आवेदन पत्र सबमिट हो जाएगा 5 बजे से पहले उसी को जारी किया जाएगा, प्रवेश की अनुमति उसी के लिए होगी। साथ में वहाँ पर ये भी अनुरोध किया है कि उनका मेडिकल टेस्ट, मतलब उनका कोविड की जांच करवानी होगी उनको 72 घंटे पूर्व RT-PCR के माध्यम से।